ऐसी बातें सीखी हैं जिससे आपका ख्याल है कि तालुकात बेहतर हुए हैं? पहले से पहले पहले अपने खान किया इसी तकलीफ पर जहाँ जितनी सकती है जिसको जहाँ से मिली पी सकती है तो स्कूल की मीटिंग काफ़ी अच्छे से मिला पैसों का तो स्कूल की मीटिंग में आने से पहले वाकई नफसियाती तौर पर उनकी बहुत ज़्यादा खामिया जिसकी वजह से कई नुकसान भी हुए और कई प्रॉब्लम भी क्रिएट हुए। तो इसी तरह अखबार में मैंने जब स्कूल की मीटिंग का पढ़ा तो ये लफ्ज इतना ट्रैक्टर था स्कूल में तो हर को चाहिए तो मैंने कहा कि ये स्कूल की मीटिंग में चलते हैं देखते हैं कि मीटिंगें तो और किस्म की होती है कि जिस बात पर मीटिंग है जिस बात पर स्कूल मीटिंग जैसे क्या हो रहा है कोई स्कूल नाम के कोई शख्स बैठे हुए वहाँ की मीटिंग करेगा प्रोफेसर स्कूल की मीटिंग है तो दिस थिंग अट्रैक्टिव भी। तो मैं जब यहाँ आया तो पहले दिन का मेरा यह है कि डॉक्टर लाला साहब इस वक्त डिप्रेशन पर रखे तो इन्होंने जब मुझे मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा तो मैं अंदर हुआ जब तो इन्होंने अपने यहाँ से छोड़कर मुझे आगे आगे छोड़ दिया आगे मैं पीछे बैठ गया आगे नहीं आप आ गया शायद उन्होंने ये नोट किया होगा कि ये पहली दफा आया है कि ही मस्ट बी दर्ज तो कह रहे थे कि आप आगे आए पीछे तो इतनी दूर बैठ गए वहाँ पता नहीं मेरी आवाज़ जा रही है नहीं तो मैं फिर आगे उसकी खाली थी वहाँ आगे बैठ गई तो इनका मैंने डिप्रेशन पर लेक्चर सुना बहुत अच्छा लेक्चर था बड़ा दिल दूर मैंने फिर दूसरे दोस्तों से मीटिंग में मालूम थे मैंने उसे पूछा कि जहाँ पे क्वाइट ऑफ क्या है कुछ राइट क्या है डेगनेशन क्या है तो मैंने बताया कि मुझे यह डेवेशन का मीटिंग है कोई इसके रूप में डेगनेशन नहीं है कोई इसका चंदा नहीं है कोई कोई इसकी फीस नहीं है कुछ नहीं आप इसे ले जा सकते हैं डॉक्टर साहब हैं और भी डॉक्टर साहब आते हैं आपने जो चीज़ें सीखी हैं क्या हैं और तो डॉक्टर साहब हैं और भी लोग हैं वो यहाँ की शुरू करते हैं तो उनसे आप मशवरा बिल्कुल मुफ्त कर सकते हैं तो मैं भी इस मीटिंग में आना शुरू किया। सो काफ़ी अच्छा अटेंड करने के बाद मीटिंग में मैंने ये महसूस किया कि जो ये 12 असूल आपने पढ़ते हैं मीटिंग में वो इस वक्त जाते नहीं कर सकते तो मेरे पास जो है वो बाकी अगर वही असूल अपना लिए जाए इन लेटर तो मेरा ख्याल है किसी नफ्सियात की किताब की पढ़ने की रोटी लग जाए किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की आपकी रोटी लग जाए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की रोटी है किसी साइकोथेरेपी की रोटी लग जाए आपको यानी इट कवर एवरीथिंग एंड इन उसके पैरामीटर जो है ना उसमें डॉक्टर साहब ने शायद मदद करती है ये कुछ मैंने पिछली मीटिंग में हल्का सा कहा था कि इसकी ड्राफ्टिंग में थोड़ी सी खाई नहीं होनी चाहिए तो उन्होंने कहा ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं आप ड्राफ्ट बकायदा चांदी का आइटम्स का या सारे आइटम्स का दोबारा देना चाहे तो हम उसको मीटिंग में कंसिडर करेंगे वो अप्रूवल को भी उसको रखा है तो वो जो असूल थे 12 असूल जो है इनकी वो हकीकत है तो उन्होंने मेरी जिंदगी में काफ़ी तब्दीलियाँ पैदा की। डॉक्टर साहब का मुझे सवाल है कि मैं स्पेसिफिकली बताऊँगी कि आज पहले दफ्तर के मामला में मैं अपने सीनियर की किसी बात को या उनकी नाराजगी को या उनकी मतलब कोई एडवाइस को या किसी ऐसी चीज़ को अच्छा नहीं समझता था उसको फील करता था बुरा समझता था या उसको दरगुजर करने करता था और अपने आप का सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं करता था कि आया अगर ये आदमी मुझे कह रहा है तो ये बात होती है हम आगा तो ये एक प्री कंसीव्ड नोशन है कि अवसर नाराज होता है ना तो यार घरों लड़ के आया देखो ना ये भी अच्छा होता है कि पहली अटैम्प्ट है इसलिए कह रहे हैं मेरे में कोई सोच नहीं तो ये अपनी सोच सकते हुए अपने आप को देखना कि आया ये आदमी अगर मुझसे कोई कह रहा है तो मुझसे कोई केस तो नहीं दिए लेट हो गया मुझसे कोई लिखने में कोई गलती तो नहीं होगी मैं मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा और इस किस्म की बात तो ऐसी नहीं है कि कुछ ऐप पर वो भी रहकर या कोई ऐसी बात हो तो मैं ये नहीं करता था तो मैं आकर ना सोचना शुरू कर दिया एंग्जाइटी निराशा शुरू हो गई कि क्यों इसने मेरे साथ बात की सिर्फ किसी एक बात पर अगर मैं सोचता था कि क्यों इसने मेरे साथ बात किया कि आपने ये क्या किया आपको पता नहीं है वो फाइल किधर है ये किधर है करते हैं लोग और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब स्कूल मीटिंग में आया ये बर्दाश्त का इन्होंने बताया दरगुजर का बताया खुदरगुजर का बताया दूसरी चीज़ों का बताया कितने भी ये असूल है वाशिंग रहने रिलेशनशिप तो उससे मुझे पता चला कि नहीं
मुझे उनकी बात को तमाम सुना की और वो लोगों को गलती पढ़ते दिखाते हैं या किस बात पर करते हैं उसको ठीक करके करो और फिर देखो मैं कह रहा हूँ कर भैया ठीक होता है या नहीं। तो मैंने कहा कि ये तो नहीं सकता अल्लाह वास्ते या खुदा वास्ते किसी के साथ किसी को ठीक है मेरे साथ में क्या नहीं करूँ मैं तो जहाँ काम करता हूँ लेट बैठ कर भी काम करता हूँ। तो अगर कोई बात है तो वो डॉक्टर साहब नतीजा यहाँ तक पहुँचा के एक्सप्लेनेशन शुरू अता के इनका मुझे शो का नोटिस मिल गया। उन्होंने कहा कि ये बुखार है और आजकल एक आर्डिनेंस आया हुआ है गूगल फ्रॉम सर्विस विद इन 25 डेज ना ठीक ये एक्सप्लेनेशन नहीं जवाब आया इंक्वायरी थोड़ी 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 और पाँच खत्म। तो ये मैंने फिर अपने आप को स्टार्टिंग की मैं सैल तो उस वक्त मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी था तो उसकी मेरी ट्रेनिंग के बाद मेरी प्रमोशन हुई और मुझे डिप्टी सेक्रेटरी ने बनाया और बाहर के दौरों पर गया और यहाँ जुडिशियल अकेडमी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था वहाँ उन्होंने मुझे मिली। यानी वही अवसर जो मेरे साथ मेरे चेंज हो रहे थे मेरे ड्यू टू चेंज ऑफ माई ओन एटीट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग और मैंने अपनी सोच सकती जब की तो वो मेरी वजह से वो इतने देर साथ मेरे वहाँ हुए वो ठीक ठाक हो गया। तो जो भी कोई फायदे वाली बात होती थी या ट्रेनिंग वाली या टीचिंग वाली या किसी में तो वो मुझे वो प्रेफर करते थे। कामयाब तालुकात के मौजूद पर तो बहुत कह दिया था सामने और एक सामने मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूँ कि हम सारे लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि लोग मेरी सर मेहमान वाली करे वो मेरी बात सुने तो मैं जाऊँ वैसे करे मुझे इंपॉर्टेंस दे मुझे करे मुझे ये करे वो करे जबकि ये सारी चीजें हम ये सोचते हम उसको नहीं करते तो उसकी जगह पे हम खुद अगर आए और जो कुछ हम सोचते हैं अगर लोगों में इतने ये कुछ करे फिर हम वो स्टार्ट कर दें उसको करने के लिए और मैं करता हूँ तो उस वक्त दुनिया को खुद आपके करीब आ जाए जो भी आपके दिल में होता है कि ये रुपा मिलना चाहिए मुझे ये इंपॉर्टेंस आप वो इंपॉर्टेंट है। तो मुझे शुरू से बचपन से कमांड एंड कंट्रोल का बड़ा शौक कि लोग कुछ मेरे अंदर में होगा लेकिन जब मैं फील्ड में आया प्रैक्टिकली जब 20 ईयर्स अल्लाह तला ने मुझे खास चलता हूँ ऐसी अपॉइंटमेंट्स ली कि मैं लोगों का इंचार्ज हो गया था तो लेकिन मेरी लोगों से बात बनती नहीं थी क्योंकि मैं समझता था कि मैं ही ठीक हूँ सब लोग हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप दूसरे लोगों के साथ बैठने से इलेक्शन लेने से पता लगा सकता वगैरह आपसे पहले नहीं होगा तो फिर मुझे पता चला कि मैंने एक तस्वीर बनाई तो वो मैं वहाँ पर मंगवाई हुई थी तो मेरे भाई को छीना नहीं थी उसमें बात करते हुए मुझे बड़ी तकलीफ पहुँची डेट वॉज माई प्रोडक्ट तो मैंने कहा यार मैंने दस बारह दिन लगा के तस्वीर बना दिया है और तुमने उसको पता ही नहीं हो तो उसी तस्वीर से मैंने सोचा कि यार ये जो लोग हैं ये अल्लाह तला की प्रोडक्ट है जैसे भी है कि उसने बनाया इनमें नक्श नकारना जो है ना इसका ये है कि डायरेक्टली अल्लाह तला ने पहली बात दूसरी चीज मैंने ये सोचा कि यार इंसानी भी चीज नहीं है मुझे है तो मुझे अल्लाह तला का शुक्र अदा करना मेरी फाइव शूज तो फिर मुझे तो सोचना चाहिए कि अल्लाह तला ने मुझे इस्तेमाल है और उसको इसकी मुझे सीट कर रहा है तो मैं सूट नहीं तो मैं भी तो ऐसा हो सकता था जिसको सूट करूँ तो इसके मैं बोल पा रहा तो इस चीज़ से मैं मुतासर हुआ कि मुझे लोगों का लोगों से प्यार और पेश आना चाहिए एस्ट्रोलॉजिकल भी करना चाहिए और इनसे जो कुछ मैंने लेना पहले इनको बहुत अच्छा उससे मेरी बड़ी चीज लगी आजकल मैं सब कुछ मेरा पास है और मैं जब अपने हाउस में बैठता हूँ तो मैं इस मूड से नहीं बैठता कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम ना आए बल्कि मैं इस मूड से बैठता हूँ कि हाँ मेरी दसो की मत मैं ये नहीं उन्हें कैंसर करता हूँ मैं इनका भी दसो की मत है मेरी दो लड़कियाँ आई हैं नौकरिया से मैं गया जस्ट करने कोशिश करनी है अगर नहीं देखिए किसी को करो कि इंजीनियर और बेशुमार लोगों ने मेरी वजह से इंप्लायमेंट हासिल की है लाहौर में मैं अपने इंडस्ट्री में जल्द किया है जो 200 रुपया को अगर किसी को आया है और मैं इसी थिंकिंग से आता हूँ हर रोज डेली कि मैं